हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजीव अग्निहोत्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को कंप्यूटर चैप्टर 1 कंप्यूटर का परिचय के बारे में बहुत कुछ समझाया था और आज मैं उसका सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखें हम लोगों को अब पढ़ना कहाँ से है, कंप्यूटर की संरचना से। ठीक है, तो कंप्यूटर की संरचना के बारे में क्या बताना है, कंप्यूटर की संरचना कैसी होती है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कंप्यूटर की संरचना। ठीक है, कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना यानी कि आर्किटेक्चर कहते हैं। कंप्यूटर की संरचना किसी कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अवयव का मतलब कंप्यूटर में कौन कौन सी यूनिट्स लगी होती हैं वो। ठीक है, इसके बारे में हमें देखना है, तो उन यूनिट्स को हम देखते हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहला होता है इनपुट यूनिट। इनपुट का मीन्स क्या होता है, इनपुट मीन्स होता है डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करवाना। ठीक है, और यूनिट का मीन्स होता है अवयव यानी कि ऐसी यूनिट, ऐसा कोई यंत्र जो हमारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करवाए उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट यूनिट क्या होती हैं मैंने बताया, जैसे कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो कंप्यूटर में हम डाटा प्रवेश करवाते हैं किसके माध्यम से, जैसे कि कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से हम डाटा प्रवेश करवाएंगे अंदर, माउस के माध्यम से करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसी जो डिवाइसेज होती हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इसके कार्य क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस के कुछ कार्य जो हैं वो नीचे यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे पहला कार्य क्या है इसमें, कि ये जो इनपुट डिवाइस होती है वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उनको डाटा जो है, मतलब वो क्या करती हैं कि डाटा को पढ़ती हैं, उसको स्वीकार करती हैं। ठीक है, इसके द्वारा, इसके बाद में क्या है, जो निर्देश होते हैं, इसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जो डाटा होता है उसको कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप, यानी कि जो कंप्यूटर हर एक डाटा को बाइनरी नंबर्स में लेता है, बाइनरी कोड में लेता है 0101 के रूप में, तो उस रूप में वो चेंज करता है। ठीक है, और थर्ड क्या है कि जो इसका बदला हुआ रूप है उसमें जो कमांड्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जो डाटा होता है उसको आगे जो प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग चलती है उसके लिए वो भेजती है। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस का वर्क हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस का मीन्स ये हुआ कि जो डिवाइस कंप्यूटर में डाटा को प्रवेश करवाए उससे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और दूसरा है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है कि जो कंप्यूटर में हमने जो डाटा इनपुट करवाया, ठीक है, इनपुट करवाने के बाद में वो कंप्यूटर में जाता है, उससे उसमें प्रोसेसिंग होती है, जो भी कार्य होना होता है वो कार्य हो जाता है, फिर उसके बाद में वो डाटा हमें किस माध्यम से हमारा परिणाम दिखाता है, यानी रिजल्ट हमें किस माध्यम से मिलता है, ये बात हमें आउटपुट डिवाइस बताती है। ठीक है, अब जैसे सबसे सिंपल बात तो ये है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें क्या लगा होता है, मॉनिटर लगा होता है। ठीक है, तो मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो हमने कार्य किया हमें सबसे पहले स्क्रीन पर उसका रिजल्ट दिखाई दे जाता है। ठीक है, फिर अगर हम चाहते हैं कि वो रिजल्ट हम अब कागज़ पर छाप लें तो हमारे पास प्रिंटर होता है, उस पर हम प्रिंटर में पेपर लगा करके उससे हम उस रिजल्ट को अपने पेपर पर भी हम छाप सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आउटपुट डिवाइस, यानी वो डिवाइसेज, ऐसी युक्तियाँ, ऐसी मशीन जो कि हमें कंप्यूटर द्वारा किए हुए कार्य का परिणाम दिखाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा जो यूनिट है वो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू जो भी डाटा हम इनपुट करवाते हैं वो डाटा सीपीयू में जाकर के उस पर प्रोसेसिंग होती है, यानी कि उसमें हमें जो भी काम करवाना है, जैसे मान लो हमने कंप्यूटर से कहा कि हमें अर्थमेटिकल कोई काम करना है, यानी कि हमें कोई गणितीय ऑपरेशन करने हैं, गणितीय कोई जिसे जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। ठीक है, या फिर हमें क्या करना है, लॉजिकल ऑपरेशंस जो तार्किक
जिसमें कंडीशंस लगी होती हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा नहीं तो फिर ये हो जाए। ठीक, तो ऐसे जो तार्किक क्रियाएं होती हैं वो प्लस जो अर्थमेटिक यानी जो गणितीय क्रियाएं होती हैं, अंकगणितीय क्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारे कार्य कंप्यूटर में जिस प्रकार का हम कार्य देते हैं वो सीपीयू उसे करता है। ठीक है, और फिर सीपीयू उसको करने के बाद में क्या करता है कि उसी डाटा को वो टोटल डाटा को जो है वो प्रोसेस करने के बाद फिर वही रिजल्ट हमें मॉनिटर पर दिखाई दे जाता है कि हमारा रिजल्ट क्या आया। तो हम ये कह सकते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती है, जो हमें डाटा को अंदर प्रवेश करवाने के लिए हमें एक सुविधा देती है, और डाटा को प्रवेश करवाने के बाद में फिर सीपीयू जो होता है वो अपना कार्य करता है, उस पर जो कार्य दिया जाता है, और लास्ट में जो आउटपुट डिवाइसेज होती हैं वो हमें उसका परिणाम बताती हैं कि उसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा हमें और बताना है आप लोगों को, ये बताना है कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो सीपीयू होता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो चूंकि वो दिमाग है तो उसमें एक चीज़ तो होगी नहीं, उसके अंदर कई अलग अलग यूनिट्स भी होती हैं, यानी सीपीयू के भी अपने अलग अलग यूनिट होते हैं। ठीक है, तो सीपीयू के यूनिट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर। जैसे सीपीयू में क्या होता है, एक तो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक मैंने अभी बताया, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो कि अंकगणितीय क्रियाएं होती हैं वो अर्थमेटिक कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं जिनमें कि अंकगणितीय क्रियाएं आ जाती हैं वो। ठीक है, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग। और लॉजिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जो लॉजिक यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, लॉजिक यूनिट वो होती हैं जिनमें हम तर्क के माध्यम से, यानी जो तार्किक बातें होती हैं, कि जैसे देखिए लिखा हुआ है दो संख्याओं में ये बताना है कौन सी छोटी है या फिर बड़ी है या दोनों बराबर हैं, ये जो बात यहाँ बताई गई है ये बात जो है ये तार्किक यूनिट को की बात होती है। ठीक है, मीन्स जो लॉजिकल यूनिट है वो हमें ये बताती, सॉरी जो अर्थमेटिक है वो हमें बताती है कि जोड़ घटाना गुणा भाग में हमें क्या करना है, और जो लॉजिक यूनिट है वो हमें ये बताती है कि जो दो संख्याएं हमें दी गई हैं उनमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, अगर छोटी है तो कितनी छोटी है, बड़ी है तो कितनी बड़ी है, बराबर हैं, तो ये सारी बातें हमें लॉजिक यूनिट बताती है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो है पहला भाग होता है किसका, सीपीयू का। उसके बाद इसका एक दूसरा भाग भी होता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट की अब हम बात कर लेते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है इसके बारे में देखें। देखो कंट्रोल यूनिट जो है वो भी सीपीयू का एक हिस्सा होता है। ठीक है, और कंप्यूटर के जितने भी काम होते हैं सब पर इसकी नज़र टिकी रहती है, यानी वो सब पर अपना ध्यान रखता है कि कंप्यूटर में कहाँ पर क्या काम हो रहा है, कहीं धोखे से कोई गलती ना हो जाए कंप्यूटर में। ठीक है, तो उसका नाम ही है कंट्रोल, यानी वो हर जो भी प्रोसेसिंग होती है हर चीज़ पर वो कंट्रोल अपना रखता है, चाहे डाटा अंदर आए, चाहे वो प्रोसेसिंग के लिए जाए, चाहे वो आउटपुट के लिए जाए, चाहे वो प्रिंट के लिए जाए, मतलब हर एक चीज़ पर जो है वो कंट्रोल करने का काम जो है कंट्रोल यूनिट का होता है। और आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट जो है उसे हम कंप्यूटर का हृदय कहते हैं, यानी कि दिल कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में हृदय होता है जो कि पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ब्लड भेजता है पूरे शरीर को, तो ठीक उसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट जो कि सीपीयू में होता है वो हर एक एक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और उसे हम कंप्यूटर का हृदय भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, दो यूनिट इसकी हो गई हैं, और इसमें तीसरा एक और होता है उसके बारे में बता दूं, थोड़ा सा वो मैंने पहले छोड़ दिया था बीच में। तीसरा जो है वो रजिस्टर्स, देखिए रजिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। रजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग समझें। रजिस्टर्स भी सीपीयू का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो लिखा है कि यह एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है,
रजिस्टर बहुत तीव्र गति वाली अस्थाई स्टोरेज युक्ति है, यानी रजिस्टर जो हैं वो ऐसे मान लो कि टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। मीन्स जैसे हम कोई काम करते हैं तो जब तक हम किसी फाइल को सेव नहीं कर लेते हैं, जब हम सेव करते हैं तो उसको जो भी हम पाथ देते हैं कि वो कहाँ पर जाना है, किस जगह पर हमारी पेन ड्राइव में सेव होगा या हार्ड डिस्क में सेव होगा, ठीक है, या हम सीडी या डीवीडी लगाए बैठे हैं उसमें सेव होगा, अगर हम उसको जो पाथ देते हैं जहाँ उसको सेव होना तब तो ठीक है, जब तक उसको हम सेव नहीं करते हैं तब तक वो डाटा हमारा कहाँ रहता है, वो रजिस्टर में रहता है, ठीक है। लेकिन हम ये ना समझें कि रजिस्टर में जो डाटा हमारा है वो हमारा परमानेंट है और हमने टाइप कर लिया और हम अगर सेव नहीं कर रहे हैं, बाय चांस अगर लाइट चली जाती है और सिस्टम हमारा बंद हो जाता है तो ये डाटा जो है दोबारा से सिस्टम ऑन करने पर नहीं मिलता है, यानी कि बिल्कुल अस्थाई, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये परमानेंट नहीं होती है, कुछ समय के लिए ही तुम्हें ये जो है सुविधा प्रदान करती है कि हमारे पास अपना डाटा रख लो, लेकिन जल्दी से अपना सेव भी कर लो, सिस्टम बंद हो जाता है दोबारा से हमें हमारी कोई गारंटी नहीं है कि डाटा बचा रहेगा या फिर नहीं, ठीक है। तो ये भी तीसरा पार्ट जो है वो रजिस्टर्स जो होते हैं वो भी सीपीयू का ही एक तीसरा हिस्सा होता है। तो अब समझ में आ गया होगा, सीपीयू के तीन पार्ट बता दिए, एक हो गया सबसे पहला अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसके बाद सेकेंड हो गया कंट्रोल यूनिट जो कि सभी चीज़ों पर कंट्रोल करता है, और उसके बाद में थर्ड हो गया रजिस्टर्स जो कि बिल्कुल टेम्परेरी मेमोरी होती है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका एक और हिस्सा होता है, सीपीयू के अंदर ही मेमोरी लगी होती है, ठीक है। तो मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी समझते हैं, मेमोरी मीन्स होता है याददाश्त। अब कंप्यूटर की याददाश्त कितनी है ये आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर बहुत कुछ याद रख सकता है, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट जो है वो कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जिसमें हम अपने डाटा को, अपने इंस्ट्रक्शंस को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो भी हम सिस्टम में काम करते हैं वो काम कहाँ हमारा स्टोर रहेगा, भविष्य के लिए वो हमें कहाँ मिलेगा, ये सारा काम जो है वो मेमोरी यूनिट का होता है और मेमोरी यूनिट में ये सारा काम कंट्रोल होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मेमोरी यूनिट के बारे में भी हम लोग देखते हैं। मेमोरी यूनिट जो है वो, ठीक है, तो ये आपका हो गया मेमोरी यूनिट, यानी कुल मिलाकर के अब हमारे पास कितनी चीज़ें हो गई, अगर सीपीयू की हम बात करें तो सीपीयू के अंदर हमें थ्री यूनिट्स मिल जाती हैं। सबसे पहली क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसका सेकंड में कंट्रोल यूनिट, थर्ड में रजिस्टर्स और फोर्थ में मेमोरी यूनिट जहां पर हमारा डाटा सेव होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आया है क्या, हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। हार्डवेयर के नाम से देखिए क्या लग रहा है, इसको अगर हम आधा आधा से नहीं, हिंदी में संधि विच्छेद होता है, अगर इसको हम कर दें हार्ड, ठीक है, अलग कर दें और इसका वेयर हम अलग कर लें, तो हार्डवेयर का मीन्स क्या होता है, हार्ड मीन्स कठोर चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि कठोर हों, जिनको हम हाथ से छुएं तो हमें लगे कि मेरे हाथ में कुछ वजन आया है, ठीक है, कुछ हमारे हाथ में हमने पकड़ा है, ठीक। तो ऐसी चीज़ें कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और साथ में उनको हम छू भी सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में जितनी भी उपकरण लगे होते हैं, जितनी भी डिवाइसेज होती हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेज हैं, मींस इनपुट डिवाइसेज में क्या होता है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, वेव कैम है, ठीक है, ये सभी इनपुट डिवाइसेज होती हैं। आउटपुट डिवाइसेज मींस क्या, आउटपुट डिवाइसेज मींस ये हो गया कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, ठीक है, प्लॉटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं आउटपुट डिवाइसेज में आती हैं वो, ठीक है। फिर मेमोरी, मेमोरी में किसी प्रकार की मेमोरी हो सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हार्ड डिस्क है तो वो भी हम हाथ से पकड़ कर देख सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर सीडी है, फ्लॉपी है, पेन ड्राइव है, ठीक है, डीवीडी है, सभी को हम हाथ से लेकर के, हाथ से उठा करके देख सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो हार्डवेयर का एक हिस्सा मानी जाती हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर जो है क्या होता है, कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स जो कि हम देख तो सकते हैं साथ साथ में उनको हम हाथ से छू भी सकते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा
कि लोग कहते हैं कि मैंने कंप्यूटर सीखा है तो मैंने हार्डवेयर सीखा है, कोई कहता है मैंने सॉफ्टवेयर सीखा है। तो हार्डवेयर में क्या सिखाया जाता है, हार्डवेयर में ये सिखाया जाता है कंप्यूटर अगर ख़राब हो गया तो उसको कैसे सही करोगे, किस प्रकार से उसका कौन सा पार्ट उठाकर कहाँ लगाओगे, कौन सा पार्ट कैसे खोलोगे, यानी कि हार्डवेयर में वो चीज़ें सही करनी पड़ती हैं जो कंप्यूटर के अंदर मशीनें लगी होती हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है आगे बताएंगे भी, लेकिन तब तक शॉर्टली उसे समझ लो। सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम देख तो सकते हैं लेकिन उसको हम हाथ से छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बच्चे पेंट कर रहे हैं, मान लो सपोज दैट वो पेंट कर रहे हैं, उन्होंने अगर इंडिया का फ्लैग बनाया तो उसमें ट्राई कलर तीन कलर्स होते हैं, अगर वो चाहें कि हम ऑरेंज कलर जो है जो हमने कलर किया है उसको हम टच कर लें तो मेरे उंगली में ऑरेंज कलर लग जाएगा, तो क्या लग जाएगा, नहीं, मतलब उसको वो टच नहीं कर सकते, देख तो सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, तो वो होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हार्डवेयर में होता क्या क्या है। हार्डवेयर में एक तो क्या होता है, इनपुट डिवाइस आती हैं, मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया है, ज़्यादा बताने की इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इनपुट डिवाइसेज जो हैं वे डिवाइसेज होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर्स के अंदर अपना डाटा स्टोर करवाते हैं, अपने जो सूचनाएँ होती हैं उनको हम भेजते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, ठीक है, कीबोर्ड के बारे में सभी लोग जानते हैं, कीबोर्ड अलग अलग प्रकार के आते हैं, किसी में कम की होती, किसी में ज़्यादा की होती, लेकिन 104 या 105 कीज़ तो हर कीबोर्ड में होती ही हैं, ओके। फिर उसके बाद माउस, माउस के बारे में सभी लोगों को पता है, माउस जो है वो एक छोटा सा यंत्र होता है जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है, उसमें एरो लगा होता है, हम पॉइंट करके और उसी हिसाब से हम डाटा को कंप्यूटर में प्रवेश करवाते हैं, या हम कोई सूचना कोई आदेश देते हैं तो उसको हम क्लिक करके कोई इनको आदेश दे सकते हैं। फिर एक होता है लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन जो है ये CPU में लगा दिया, इसका जो केबल होता है वो CPU में लगा होता है, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। और लाइट पेन से क्या होता है कि हम लोग अगर स्क्रीन पर कहीं कुछ हमें सर्कल करना होता है, ऐसे मान लो हमें कहीं ऐसे बॉक्स बनाना है या फिर हमें कहीं पर ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है, तो ये सब जो है लाइट पेन के माध्यम से हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर टच स्क्रीन, टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से, जैसे नहीं हम लोगों के पास मोबाइल्स होते हैं तो मोबाइल्स में हम टच करते हैं स्क्रीन पर, तो टच करने से क्या होता है, हमारा गेम ओपन हो जाता है, हमारा कोई ऐप ओपन हो जाता है। तो कैसे ओपन होता है, क्योंकि टच करने से ही हमारा वो अगर कोई एक्शन हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि वो टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस ही है जिसके माध्यम से हमारा डाटा इन हुआ, यानी कि मोबाइल ने या फिर हमारे टैबलेट ने से समझ लिया कि जो चलाने वाला यूजर है वो करना क्या चाहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्राफिक टैबलेट, ठीक है, तो ग्राफिक टैबलेट जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है, इसकी सहायता से ड्राइंग है फ़ोटो इनको डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक जो है आप लोगों को सिंपल सा बता दूं, जो पहले गेम चलते थे, जिन गेम में जो वीडियो गेम मार्केट में होते थे दुकानों में लोग चलाते थे, उससे फाइटिंग वाइटिंग होती थी, तो उन गेम में जो हिलाने वाला नहीं गियर टाइप का लगा, जैसे गाड़ियों में गियर होता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस जॉयस्टिक होती है, जिससे कि वो भी पॉइंटिंग डिवाइस माउस की तरह होती है, उसको हिलाने से ही जो पॉइंटर होता था वो मूव करता था, ठीक है। फिर है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन सभी लोग जानते हैं, माइक्रोफोन मतलब माइक्रोफोन माइक होता है जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, ठीक है। फिर है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी OMR एक मशीन होती है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें एक बच्चों को शीट दी जाती है, उस शीट में क्या किया जाता है कि उस शीट में बच्चों से कहा जाता है इसमें जो सर्कल हैं गोले हैं उन गोलों को तुम काला करो, ठीक है, जैसे एक गोला बना दिया, फिर दूसरा बना दिया, फिर तीसरा बना दिया, इनको जो है ब्लैक करना होता है, जो आंसर सही होता है वही हमें ब्लैक कर दिया जाता है वहाँ पर। तो उस आंसर शीट को चेक करने के लिए एक OMR मशीन होती है, जब वो आंसर शीट उसमें पहुँचती है उसको उस मशीन में रखा जाता है तो स्कैन कर लेती है और जितने भी सही आंसर्स होते हैं वो वहाँ पर वो बता देती है, ठीक है। तो OMR के माध्यम से क्या होता है कि जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी कॉपीज़ भी चेक की जाती हैं, ठीक है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें पहले से ही जो अगर हम जो साधारण से चिन्ह होते हैं जिनको हम प्रिंट केबल प्रिंट किए गए या फिर हाथ से
साफ साफ लिखे गए अक्षर जो हैं उनको वो पढ़ लेता है। OCR जो है अब कहाँ होता है, आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा जो PDF बनाने वाले जो ऐप आते हैं उनमें OCR भी होता है, उसके माध्यम से लोग PDF हाथ की लिखी हुई चीज़ की PDF भी बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन भी होता है। ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस, स्कैनर सभी लोग जानते हैं, एक फ़ोटोकॉपी की मशीन जैसी होती है, उसमें अगर हमें अपना कोई डॉक्यूमेंट रखना है उसकी सेम वैसी ही फ़ोटो हमें कंप्यूटर में स्टोर करनी है तो वो हम कंप्यूटर में स्कैनर के माध्यम से कर सकते हैं। फिर होता है वेब कैम, यानी कि एक कैमरा होता है जो कि तार के माध्यम से CPU से जुड़ा होता है और डायरेक्टली हम उससे वीडियो चैटिंग है या फिर हम जो भी फ़ोटो वगैरह खींचना है, वीडियो बनाना है, वो हम कर सकते हैं। ओके, स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। कार्ड रीडर जो एक छोटी सी चिप जैसे पेन ड्राइव होती है, सभी लोग जानते होंगे, कार्ड रीडर में चिप लग जाती है और उसको हम लगा करके क्या करते हैं, अपनी चिप उसमें लगा लेते हैं, चिप से डाटा सिस्टम में डाल लेना, सिस्टम से चिप में ले लेना, ऐसा काम हम कार्ड रीडर से करते हैं। फिर अगला आता है बार कोड रीडर। बार कोड जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बार कोड जो है जब हम कुछ ख़रीदते हैं, ऐसे वी मार्ट में आप लोग गए होंगे तो वहाँ कोई चीज़ हमने इसे परचेज़ की तो उसमें जो पैकिंग होती है, पैकिंग के पास एक बार कोड इस टाइप से एक लंबी लंबी सी कुछ लाइनें जो हैं ढेर सारी ऐसे बनी होती हैं। ठीक है, और उसमें एक कोड बना, उसमें एक कोड दिया होता है, मतलब उसके अंदर एक कोड छुपा होता है। तो देखा हो एक छोटी सी मशीन होती है, वो जो जब वो बिल बनाते हैं तो उस मशीन से वो उस पर एक लाइट, उस पर लाइट डालते हैं तो उससे एक कोड उसमें आ जाता है। तो वो जो बारकोड रीडर है वो भी देखा जाए तो इनपुट डिवाइस का ही काम करता है, क्योंकि वो करता क्या है कि वो सभी जितना भी जो भी कोड है, उस जो चीज़ हमने ख़रीदी है उसका जो भी कोड है उसको वो कंप्यूटर में दे देता है और फिर वो बताता है कि इसका कितना प्राइस है और कितना ये इसमें कस्टमर से लेना चाहिए। ठीक है, और बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, बायोमेट्रिक मशीन होती है। मोस्टली अभी तक क्या होता था कि जैसे कंपनीज़ हैं या जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनमें टीचर्स अपनी अटेंडेंस रजिस्टर पर लगाते थे, अपने साइन करते थे, लेकिन अब जो है नया जो सिस्टम आया है उसमें क्या है कि मशीन लगा दी गई, उसमें कई सुविधाएं होती हैं, या तो अपना अंगूठा हम लगा दें उसमें, या फिर हम उसे फेस रीडिंग का भी होता है, फेस भी वो रीड कर लेता है। ठीक है, कई अलग अलग चीज़ें हैं तो उसके माध्यम से बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस हो जाती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके कंपनीज़ में या बड़े कॉलेजेस में उनमें सब ये लगा हुआ होता है पहले से, ताकि टीचर्स अपनी अटेंडेंस या जो एम्प्लॉई हैं अपनी अटेंडेंस आसानी से लगा सकें। ठीक है, तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो जो आउटपुट डिवाइस है वो अभी मैंने पहले ही बताया, आउटपुट डिवाइस जो है वो डिवाइसेज होती हैं जब हम अपना डाटा इनपुट करवाते हैं, उसके बाद में जैसे ही हमारा डाटा प्रोसेस होने के बाद हमें उसका रिजल्ट देता है तो वो रिजल्ट हमें जहाँ दिखाई देता है वो सारी आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, जैसे कि मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं, यानी कि वी फॉर विजुअल, डी फॉर डिस्प्ले, यू फॉर यूनिट, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी उसे कहा जाता है। मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं और जैसे पुराने समय में ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर आते थे, उसके बाद में फिर कलर मॉनिटर आने लगे। ठीक है, और ये फिर जो है कुछ पिक्सल्स के हिसाब से उनको दिया गया है, कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है यानी LCD है, CRT मॉनिटर होता था, यानी CRT वो मॉनिटर होता था जो कि पुराने समय में मोटा सा चलता था, यानी TV के समान होता था वो। LCD कौन सा है, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी एक मॉनिटर है, ये थोड़ा सा पतले आकार में आने लगा था। फिर एक उसके बाद में लास्ट में क्या आ गया, LED आ गया। ठीक है, यानी कि लिक्विड कह सकते हैं या फिर लाइट एमिटिंग डायोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बाद में फिर अगला आ गया 3D मॉनिटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये 3D में देखने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में फिर हम आगे बात कर लेते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। और फिर हम बात करते हैं प्रिंटर की, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होती है क्योंकि प्रिंटर भी हमें कागज़ पर सूचना छाप करके देता है। प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, ये टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसमें एक एक लाइन प्रिंट होती है। ठीक है, एक एक लाइन करके प्रिंट होती है, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डेजी व्हील, ये इस टाइप के जो भी प्रिंटर्स हैं वो सब
किस में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, जिनमें एक एक लाइन करके वो प्रिंट करता है, यानी कि बाकी जो है जब एक लाइन पूरी प्रिंट हो जाती तब दूसरी लाइन पर आता है। फिर आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी एक प्रिंटर का ही रूप है, जैसे जिसमें इंकजेट आता है इसमें इंक डाल सकते हैं। लेज़र प्रिंटर आते हैं जिसमें लेज़र लाइट के माध्यम से प्रिंटिंग होती है, उसमें एक एक लाइन नहीं छापी जाती है, बल्कि उसमें क्या होता है कि एक साथ में कई लाइनें पूरा पूरा पैराग्राफ भी छप जाता है, ठीक है। प्रिंटर के दो प्रकार हो गए। फिर है प्लॉटर। प्लॉटर भी प्रिंटर जैसी एक मशीन होती है, जो कि बड़े बड़े जो भारी पेज होते हैं जो प्रिंटर में नहीं आ सकते हैं, उन भारी पेजेस के ब्लूप्रिंट्स वगैरह लेने के लिए, या जैसे मान लो कोई आर्किटेक्ट है, कोई नक्शा बनाने वाला है, जो घर का नक्शा बना रहा है, नक्शा घर का छोटा सा तो नहीं बन सकता, बड़े से पेज पर आता है, तो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला आ गया है स्पीकर। स्पीकर जो है वो भी हमें अंदर जो ऑडियो हमारा पड़ा हुआ है सिस्टम में, या फिर वीडियो हम सुन रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो उसकी जो आवाज़ है, उसका जो साउंड है, वो हमें बाहर सुना करके देता है। तो स्पीकर भी देखा जाए तो एक आउटपुट डिवाइस होती है, राइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी इसका अगला पार्ट में जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, थैंक यू।